तो सभी को सबसे पहले जय श्री राम। तो भाई लोग, आज के वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं किसी का भाई किसी की जान का यहाँ पर से ट्रेलर रिव्यू के ऊपर। तो गाइस, यहाँ पर से एक घंटे कुछ पहले यहाँ पर से यूट्यूब के अंदर किसी का भाई किसी का जान का यहाँ पर से ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। तो गाइस, जैसे ही यहाँ पर से ट्रेलर आया, मैं जल्दी से जाकर ट्रेलर को देख लिया यहाँ से। और गाइस, ट्रेलर मेरे को यहाँ पर से कैसा लगा, और गाइस यहाँ पर से ट्रेलर देख के मूवी की किस तरीके से वाइब आ रही है, और गाइस यहाँ पर से ट्रेलर में क्या अच्छा है क्या बुरा है, इन सारी चीजों को यार आज के वीडियो में आप लोगों को अच्छे से बताने वाला हूँ। तो गाइस, काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, वीडियो कहीं भी स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक देखना। तो भाई लोग, वीडियो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले अपन लोग यहां पर से बात करते हैं मूवी के कास्ट के बारे में। तो गाइस, ऑब्वियसली आप लोग यहां पर से सभी को पता होगा कि मूवी के लीड एक्टर में यहां से अपने को सलमान भाई दिखने वाले हैं, सलमान खान। एंड गाइस, इसी के साथ साथ यहां पर और पूजा हेगड़े, यहां पर से हो गए शहनाज गिल यहां, और गाइस यहां पर से इसी तरीके से जो काफी सारे यहां पर से एक्ट्रेस हैं, वो सारे लोग आप लोग को यहां पर से मूवी के अंदर दिखने वाले हैं। और भाई लोग, यहाँ पर से मूवी में क्या खास बात मेरे को लगा उसके बारे में आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले यार, मेरे को क्या यहाँ पर से थोड़ा खराब लगा ट्रेलर का, उसके बारे में बताता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर से जो सबसे पहले मेरे को यहाँ पर से ट्रेलर का लगा, जो है ट्रेलर यहाँ पर से स्टार्ट होता है, वो यहाँ पर से 2 से 2.5 मिनट तक यहाँ पर से काफी ज्यादा स्लो लगता है। गाइस, यहाँ पर से सिर्फ और सिर्फ यार स्क्रीन में आप लोगों को पूजा हेगड़े और सलमान भाई यहाँ पर से देखने के लिए मिलेंगे। तो गाइस, मेरे को यार यहाँ पर से ऐसा लगा कि 3 मिनट कुछ सेकंड का ट्रेलर है, तो यार पूरा का पूरा ट्रेलर इसी तरीके से स्लो निकल जाएगा। तो गाइस, कुछ पहले के 2 से 2.5 मिनट मेरे को यार यहाँ पर से ट्रेलर काफी ज्यादा स्लो लगा। इससे गाइस, जो यहाँ पर से व्यूअर्स हैं यार, और जो यहाँ पर से फैन है, जो यहाँ पर से एकदम मासी लुक में यहाँ पर से और मास एक्शन यहाँ पर से करते हुए सलमान भाई को देखना चाहते हैं, उसको यार यहाँ पर से ट्रेलर शुरू में काफी ज्यादा स्लो लगेगा। पर गाइस, यहाँ पर से 2 से 2.5 मिनट के बाद में यहाँ पर से गाइस जो आप लोग को बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर से जो मूवी का एक्शन स्टार्ट होता है, वो इस ट्रेलर के आखिरी तक अपने को देखने के लिए मिलता है। तो गाइस, यहाँ पर से एक बात आ जाता है, क्या मूवी का यहाँ पर से एक्शन ठीक है? तो गाइस, यहाँ पर से मैं ये नहीं बोलूंगा यार एक्शन एकदम ओवर द टॉप है कि एकदम ही ज्यादा बेकार है। यहाँ पर से यार एक्शन बिल्कुल भी यहाँ पर से एवरेज है, बिल्कुल ऐसे यहाँ पर से एक्शन में अपने को उतना ज्यादा अच्छा नहीं देखने मिल रहा है, ना उतना ज्यादा बेकार, एक्शन यहाँ पर से बिल्कुल से एवरेज है। फिर किस इसके बाद बात करते हैं एक्टिंग के, ट्रेलर में एक्टिंग देखने के बाद में। तो कि सलमान भाई यहाँ पर से, सलमान खान जिस तरीके से एक्टिंग करते हैं, सेम टू सेम यार अपने को उसी तरीके से यहाँ पर एक्टिंग करते हुए दिख रहे हैं। शहनाज गिल बाकी यहाँ पर जो साइड एक्टर टाइप के जो रोल दिया गया है, उनके यहाँ पर से ज्यादा कोई ट्रेलर में दिखे नहीं है, तो यार उनका ट्रेलर को बाकी मूवी में जाने के बाद बात करेंगे। बाकी यहाँ पर से पूजा हेगड़े भी अपने रोल को ठीक ठाक यहाँ पर से निभाते हुए नजर आ रहे हैं। और किस यहाँ पर से जो विलन के रोल में है यार, वो शायद यहाँ पर से हो सकते हैं जो बॉक्सर है, वो अपने को देखने के लिए मिलेंगे। फिलहाल मेरे को उनका नाम याद नहीं आ रहा है। तो गाइस, आप लोग यहाँ पर से ट्रेलर देखोगे तो आप लोग यहाँ से पता चल जाएगा। तो गाइस, यहाँ पर से यार पूरे ट्रेलर में यहाँ पर से और मूवी के कोई भी सॉन्ग्स को यहाँ पर से नहीं दिखाया गया है, सिर्फ सॉन्ग से जो यहाँ पर से फुटेज है उसको दिखाया गया है, बाकी सॉन्ग चलते हुए कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला है। यहाँ पर से यार जो नयो लगता है उसका कुछ दूसरा टाइप के वर्जन में यहाँ पर से बैकग्राउंड के जैसे यहाँ पर से म्यूजिक को यूज किया गया है। तो गाइस, इसके बाद बात करते हैं थोड़े नेगेटिव पॉइंट के। तो गाइस, यहाँ पर से मूवी का वीएफएक्स मेरे को ओके ओके लग रहा है, एकदम ज्यादा उतना मेरे को पसंद नहीं है मूवी के वीएफएक्स। एंड गाइस, यहाँ पर अब बात कर लेते हैं जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यार ट्रेलर देख के मूवी का क्या हाइप बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो गाइस, बाकी का तो मेरे को नहीं पता यार, पर पर्सनली मैं अपना यहाँ पर से बता रहा हूँ कि गाइस मेरे को यहाँ पर से बिल्कुल भी यहाँ पर से हाइप और मूवी का नहीं बना है। ट्रेलर यार पूरी तरीके से यहाँ पर से एवरेज है भाई। यहाँ पर कई यार सलमान खान के यहाँ पर से फैंस को काफी ज्यादा बुरा लगेगा, मेरे को यहाँ पर से बोलेंगे भी कि इतना अच्छा ट्रेलर है तू कैसे ऐसा बोल रहा है। तो गाइस, मैं ये बता देता हूँ यार कि मैं भी यहाँ पर से सलमान भाई के फैन हूँ, पर किस जिस तरीके का यार अपने को यहाँ पर से सलमान भाई की मूवी देखने की आदत है, और किस जिस तरीके से मूवी बनाते हैं, और जो स्मूथ मूवी का यहाँ पर से ट्रेलर आता है, उस तरीके से यार यहाँ पर से ये किसी का भाई किसी का जान का ट्रेलर उस टाइप में यहाँ पर से खराब बिल्कुल भी नहीं उतरा है। पूरी तरीके से यहाँ पर से यार ट्रेलर एकदम ज्यादा एवरेज है। तो गाइस, यहाँ पर से तो बिल्कुल भी हाइप यहाँ पर से मूवी के लिए नहीं बन रहा है। यहाँ पर से और बात करते हैं मूवी के यहाँ पर से जो ट्रेलर में अपने को डायलॉग्स देखने के लिए मिले हैं, डायलॉग्स भी एकदम ज्यादा ओके हैं, और बाकी तो यार कई सारे डायलॉग्स हैं जो मेरे को बिल्कुल भी यहाँ पर से पसंद नहीं आ रहे हैं। होप्स हो गई यहाँ पर से यार मूवी के अंदर और काफी अच्छे अच्छे डायलॉग्स डाले गए होंगे जिसको ट्रेलर में नहीं दिखाया गया है, पर मूवी में देख के उसको थिएटर में सुन के काफी ज्यादा मजा आ जाएगा। और गाइस, यहाँ पर से मूवी के यहाँ पर से स्टोरी के बारे में बात करें तो गाइस यहाँ पर से मूवी यार यहाँ पर से रीमेक होने वाली है। यहाँ पर यार तमिल मूवी है वीरम नाम का, उसके यार यहाँ पर से रीमेक है किसी का भाई किसी का जान। तो गाइस, यहाँ पर से जैसे कि बॉलीवुड में पूरा आदत पड़ चुका है रीमेक बनाने का, तो गाइस उसी ही तरीके से यहाँ पर से किसी का भाई किसी का जान भी यहाँ पर से रीमेक मूवी होने वाले हैं, तमिल मूवी वीरम का। और गाइस, एक चीज और यहाँ पर से बताता हूँ यार कि यहाँ पर से जो फरहाद सामजी मूवी के डायरेक्टर है, वो गाइस पहले ये मूवी का नाम यहाँ पर से बच्चन पांडे रखने वाले थे, इस तरीके से सोर्सेस से सुनने मिला है। पर गाइस,
यहाँ पर से बच्चन पांडे मूवी का नाम नहीं हुआ, और जैसे यहाँ पर से बच्चन पांडे यार उन्होंने अक्षय कुमार के साथ एक दूसरी स्टोरी में यहाँ पर से बना ली। बाकी गैस यहाँ पर से आप लोग का क्या हालत हुआ है यहाँ पर से बच्चन पांडे मूवी का आप लोगों को पता ही है। तो इस मूवी के भी यार यहाँ पर से डायरेक्टर है फराज समझी, तो यार यहाँ पर से मूवी के डायलॉग्स आप लोग को जो यहाँ पर से मीम वायरल होते हैं उससे मिलता जुलता मिल जाएगा। बाकी गैस यहाँ पर से तो एकदम ज्यादा मेरे को एवरेज लगा यहाँ पर से मूवी का ट्रेलर। होप सो यार मूवी यहाँ पर से अच्छा होगा और मूवी देखने में अच्छा मिले, तो यार यहाँ पर से मूवी आराम से 250 से 300 करोड़ रुपए यहाँ पर से कमा लेगी। अगर गैस जिस तरीके से मेरे को यहाँ पर से एवरेज लग रहा है ट्रेलर, उस तरीके से यहाँ पर से अगर मूवी भी निकला तो इस 200 से 250 करोड़ रुपए यहाँ पर से मूवी कमा के यहाँ पर से रुक जाएगी। तो गाइस फिलहाल आज के वीडियो के लिए तो इतना ही था यार। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और गाइस ऐसे ही वीडियोस के लिए जल्दी इस चैनल सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर से ऑल पे कर लो। तो भाई फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।